दोस्तों, आजकल हर व्यक्ति अपने चेहरे पर एक लंबी और घनी दाढ़ी चाहता है, क्योंकि केवल एक घनी दाढ़ी किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को पूरी तरह बदलने में सक्षम होती है। और साथ ही ज्यादातर लोग घनी दाढ़ी की वजह से ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। वैसे तो दाढ़ी मर्द होने की निशानी होती है, लेकिन इसका किसी भी इंसान की मर्दानगी से कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि चेहरे और शरीर पर बालों की ग्रोथ कम या ज्यादा होने के कई तरह के कारण हो सकते हैं, जिसमें कि जेनेटिक्स और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी कि DHT, यह दोनों ही सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं। किसी भी इंसान के जेनेटिक्स या जीन्स उसके माता और पिता दोनों के जीन्स से मिलकर बने होते हैं, और इन्हीं की मदद से एक व्यक्ति अपना चेहरा, शरीर का आकार और लंबाई, त्वचा का रंग और बालों की ग्रोथ गर्भ के दौरान ही डिसाइड हो जाती है। इसके अलावा DHT हार्मोन्स किसी भी व्यक्ति में पाए जाने वाले मर्दों वाले तत्व, जैसे कि शरीर के अलग अलग मसल्स का आकार, मोटी आवाज और चेहरे तथा शरीर पर बालों की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। चेहरे पर बालों की बहुत धीमी ग्रोथ या फिर पैची बियर्ड, जिसमें कि किसी किसी जगह पर ज्यादा बाल और किसी किसी जगह पर बहुत कम बाल होते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपनी दाढ़ी को बढ़ाने में संकोच करता है और हर वक्त अपने चेहरे पर एक अच्छी दाढ़ी की कमी को हमेशा महसूस करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चेहरे पर दाढ़ी की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने और पैची बियर्ड को खत्म करने के लिए कुछ बहुत ही आसान और असरदार घरेलू नुस्खे, जिनके रोजाना इस्तेमाल से यह आपके चेहरे की दाढ़ी और मूंछों को कम समय में ही तेजी से घना बनाएगा। भी कम समय में तेजी से बढ़ाने के लिए हमें मल्टीपल अप्रोचेस यानी कि एक से अधिक उपाय करना ही पड़ते हैं। इसके लिए इस पूरी प्रक्रिया को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ चेहरे पर लगाने वाले घरेलू नुस्खे, जो कि बाहरी तरह से चेहरे की स्किन में हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ खाने वाले नुस्खों की, जिसका सीधा असर हमारे टेस्टोस्टेरोन्स और एंड्रोजन हार्मोन्स पर ही होगा, जिससे कि बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद हम जानेंगे कुछ बहुत ही आवश्यक टिप्स, जो कि चेहरे के बालों को घना बनाने के लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं पहले नुस्खे की। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी नारियल का तेल, मीठा नीम यानी कि कड़ी पत्ता और कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी के तेल की। शरीर में बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमेशा ऐसे ऑयल का ही इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कि मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा अधिक हो। ऐसे में कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल सबसे बेहतर होता है, क्योंकि इसके अंदर 80-90% तक रेसिनोलिक एसिड पाया जाता है, जिससे कि मुख्यतः चेहरे पर रुके हुए बालों की ग्रोथ बढ़ती है और साथ ही दाढ़ी के बाल मोटे और घने भी हो जाते हैं। इसलिए मार्केट में मिलने वाले कई तरह के बियर्ड ऑयल या दाढ़ी बढ़ाने वाले सीरम में कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल होता ही है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 3-4 चम्मच नारियल के तेल को एक कढ़ाई या फिर पैन में डालकर इसे सबसे धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए गर्म कर लें, और इसके बाद तेल बहुत ज्यादा गर्म होने से पहले ही इसमें 8-10 कड़ी पत्ते डालकर इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह चलाएं। उसके बाद जब कड़ी पत्ते अच्छी तरह फ्राई हो जाएं, तो गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा हो जाने के बाद इसमें से कड़ी पत्ते निकाल दें और फिर इस तेल में 3-4 चम्मच अरंडी के तेल को मिलाएं। इस तरह से यह नुस्खा तैयार हो जाएगा। इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से पहले चेहरे पर स्टीम लेना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप स्टीम नहीं ले पाते हैं तो चेहरे पर गर्म पानी में भिगोया हुआ कपड़ा 5 मिनट के लिए रख लें। ऐसा करने से चेहरे के रोम छिद्र खुल जाते हैं और फिर इस तेल का असर दुगना हो जाता है। स्टीम लेने के बाद इस तैयार तेल से अपने चेहरे पर उस जगह पर 10-15 मिनट तक अच्छी तरह मालिश करें जहां पर आपको बालों की ग्रोथ कम है। मसाज करते टाइम ध्यान रहे कि बहुत जोर जोर से मसाज ना करें, केवल हल्के हाथों से ही मसाज करें। इसके बाद इसे 10-15 मिनट तक अपने चेहरे पर ही लगा रहने दें और फिर इसे सादे पानी से धो लें। जब भी बालों को लंबा और घना बनाने की बात आती है, तब कड़ी पत्ते का इस्तेमाल होता ही है। कड़ी पत्ते के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और एमिनो एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि मदद करते हैं बालों की ग्रोथ को बढ़ाने और बालों को मोटा करने में। इस तैयार तेल को अधिक मात्रा में बनाकर फ्रिज के अंदर 1-2 महीने के लिए स्टोर कर भी रखा जा सकता है। इसका लगातार 10-15 दिन तक इस्तेमाल करने से आप अपने बालों की ग्रोथ में काफी अच्छा फर्क महसूस करेंगे। चेहरे की धब्बेदार दाढ़ी को भरने और कम समय में ही अच्छे परिणाम पाने के लिए इस नुस्खे के साथ कुछ खाने वाले नुस्खों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि चेहरे पर बालों की ग्रोथ को अंदरूनी तरीकों से भी बढ़ाया जा सके।
इसके साथ ही भोजन में ज्यादा से ज्यादा आयरन और जिंक वाली चीजों का सेवन करें, जिसमें सबसे ज्यादा असरदार होता है पालक और टमाटर का जूस। पालक के अंदर आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, साथ ही टमाटर में मौजूद विटामिन सी मदद करता है शरीर में आयरन को पूरी तरह एब्जॉर्ब कराने में। इन दोनों को मिलाकर बना यह जूस हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है और दाढ़ी की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने के साथ साथ जिन लोगों को भी बाल झड़ने और पकने की समस्या है, इसके इस्तेमाल से वह भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर आपकी दाढ़ी ठीक तरह से नहीं उगती है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको बार बार शेव या फिर ट्रिम न करें, क्योंकि हमेशा सर या चेहरे पर जब बाल उगते हैं तब शुरुआत में तो वह पतले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी लंबाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह मोटे होते जाते हैं। जिन लोगों के भी चेहरे पर दाढ़ी ठीक तरह से नहीं आती या फिर कुछ कुछ जगह पर छूट जाती है, ऐसी स्थिति में बाल नहीं आने वाली जगहों पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत पतले पतले बाल जरूर नजर आएंगे। उन पतले बालों को मोटा करने के लिए जरूरी है कि उन्हें थोड़े समय तक बिना काटे लंबा होने दिया जाए। ऐसा करने से ही वह धीरे धीरे मोटे होना शुरू हो जाएंगे और खाली जगह तेजी से भरने लगेगी। जो लोग भी अपनी दाढ़ी को ज्यादा बढ़ने से पहले ही शेव कर लेते हैं, उनकी दाढ़ी में छुटी हुई खाली जगहों पर बाल आने में बहुत समय लगता है। इसके अलावा अगर आपका वजन ज्यादा है तो इसका भी दाढ़ी की ग्रोथ पर असर पड़ता है, इसलिए रोजाना वर्कआउट करें और अपने बढ़ रहे वजन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। हमारे शरीर में हार्मोन्स सोते समय ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसी वजह से हार्मोन्स की कमी होने पर हमेशा सोने से पहले दवाई लेने की सलाह दी जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूर ली जाए, क्योंकि अगर आपके बालों की ग्रोथ कम है और अक्सर आपकी नींद अधूरी रहती है तो शरीर पर किसी भी तरह के नुस्खों या इलाज का असर बहुत धीमी गति से होता है और अच्छे परिणाम पाने में बहुत अधिक समय लग जाता है। चेहरे के बाल बिना रुके हर जगह पर समान मात्रा में बढ़ते जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने चेहरे और त्वचा को साफ सुथरा रखें और समय समय पर स्किन एक्सफोलिएट भी करते रहें। इसके लिए आप किसी भी हर्बल कंपनी या फिर जो भी आपके चेहरे पर सूट होता हो उस ब्रांड का स्क्रब यूज कर सकते हैं। स्क्रब करने से हमारी त्वचा पर जमा डेड स्किन रिमूव होती रहती है और त्वचा के ब्लड सर्कुलेशन में भी बढ़ोतरी होती है, जिससे कि बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन स्क्रब का इस्तेमाल हफ्ते में केवल 3 बार ही करें, उससे ज्यादा न करें। अक्सर यह देखा गया है कि जो लोग जिम जाते हैं या फिर अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए वर्कआउट या कसरत करते हैं, उन लोगों में बालों की ग्रोथ हमेशा ज्यादा ही होती है और कई बार तो वह अपने बालों की ग्रोथ से परेशान भी नजर आते हैं, क्योंकि जब हम शारीरिक मेहनत करते हैं तो समय के साथ साथ हमारी ताकत में वृद्धि होती जाती है, जिससे हमारे शरीर में पाए जाने वाले सभी तरह के मेल हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए घनी दाढ़ी और अच्छे बालों की ग्रोथ के लिए रोजाना कम से कम 1 घंटा वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। मर्दाना कमजोरी को दूर करने और चेहरे पर दाढ़ी और मूंछों की ग्रोथ को बढ़ाने के विषय में आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही असरदार घर पर ही आसानी से बनाया जा सकने वाला बियर्ड सीरम, जिसे आप दिन भर के लिए अपनी दाढ़ी पर लगा कर रख सकते हैं, और साथ ही कुछ और खाए जाने वाले घरेलू नुस्खे जो कि कम समय में दाढ़ी की ग्रोथ को अंदरूनी तरीके से बढ़ावा देंगे। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो, और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है, और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। It's caught in the crossfire.